अस्सलाम वालेकुम। ये मैं इलायची का शरबत बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बनाना शुरू कर दिया था, मैं भूल गई थी। मैंने 1 किलो शक्कर में 1 गिलास पानी डालकर शीरा बनने के लिए रख दिया है। और ये मैंने 60 ग्राम इलायची ली है, 50-60 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं 1 किलो के लिए। थोड़ी अच्छी रहे, बड़ी बड़ी तो 50 ग्राम भी काफी है। ये थोड़ी छोटी बड़ी है इसलिए मैंने 60 ग्राम ली है। और इसमें सिर्फ हमको ग्रीन कलर डालना है बाद में, और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड। तो बहुत ही इजी मेथड है ये। मैंने हमाम दस्ता लिया है, हमाम दस्ते में इसको हल्का हल्का कूट कर इसके बीज और छिलके अलग करूंगी, और छिलकों को भिगने के लिए ये पानी में रख दूंगी। इसमें 1 गिलास मैंने पानी रखा है। अगर आप रात में इलायची को भिगने रखे तो भी ये शरबत बन सकता है, लेकिन पीसते वक्त एक प्रॉब्लम होता है कि बीज सब छिलके में अटक जाते हैं और फिर हमारे शरबत में बीज नहीं आते, इसलिए थोड़ा प्रोसीजर लेंदे होता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमको बीज पूरे मिलते हैं पीस कर डालने के लिए, और छिलके जो है उसका हम भिगो कर उसका पानी लेते हैं सिर्फ खुशबू के लिए। तो चलिए हम इसको हमाम दस्ते में कूट लेते हैं मोटा मोटा, और फिर जब छिलके अलग हो जाएंगे तो छिलके हम इसमें डालेंगे, और इलायची को 1-2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में बारीक ग्राइंड कर लेते हैं, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमाम दस्ते में हमको सिर्फ इसको फोड़ कर लेना है, ताकि हम जब इसको छीले तो फिर हमारे बीज और ये अलग से हमको मिले। ये देखिए इस तरह से हमको इसके बीज अलग करने, ये देखिए इस तरह से इजीली बीज अलग हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। हम उंगली से ये के लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और नाखून भी दुखेंगे। ये देखिए इस तरह से बीज और छिलके अलग हो जाएंगे। छिलके हम इसमें भीगने के लिए डालेंगे, और बीज हम पीसने के लिए अलग से रख लेंगे। इस तरह से मैं पूरे पीस कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ मिक्सर में लगाते वक्त। ये देखिए इस तरह से छिलके निकाल कर मैंने पानी में भीगने के लिए रख दिए हैं, और ये अभी और थोड़े से बाकी है। जब पूरे छिलके निकल जाएंगे तो ये बीज जो है ना, ये मैं 2 चम्मच शक्कर के साथ बारीक पीस लूंगी, और वो डायरेक्ट शरबत में मिलाने के काम आएंगे। और ये जो छिलके हैं इनको उबाल कर शीरे में थोड़ी देर उबालने के बाद इसको छान कर हम अलग कर सकते हैं, तो छिलके मुँह में नहीं आएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए हमने पूरी इलायची के छिलके निकाल दिए हैं, और इसको इस तरह पानी में हम भिगो देंगे 1 घंटे भर के लिए। इस तरह से क्या होगा, इलायची के छिलके जो है ना शरबत में हमारे मुंह में नहीं आएंगे। सिर्फ पानी में भिगो कर रखेंगे हम इसको, और फिर शीरे के साथ उबाल लेंगे और फिर इसको छान लेंगे शीरे से, तो छिलके निकल जाएंगे और हमारे मुंह में नहीं आएंगे। और ये जो बीज है, ये पूरे इलायची के बीज, इसको हम 2 टेबल स्पून शक्कर डालकर मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। तो चलिए इलायची पीस लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि शरबत में क्या क्या पड़ेगा। ये देखिए ये छिलके हमने भिगो दिए थे, ये हम शीरे में डालेंगे और उबाल देंगे इनको अच्छे से। 1 गिलास पानी में हम इसको भिगने डाले थे। इसको हम एक अच्छे से बॉयल आने देंगे, ताकि इलायची की जो खुशबू है वो अच्छे से इसमें रच बस जाए। उसके बाद हम इसको छानेंगे। क्योंकि ये छिलके है ना बहुत मुंह में आते हैं, आप कितना भी इसको बारीक पीसने की कोशिश करो ये मुंह में आते हैं, इसलिए मैं इसको हमेशा छान कर ही निकालती हूँ। जब हमारा शीरा तैयार हो जाएगा ना तो हम उसको छान देंगे, यहाँ पर इस स्ट्रेनर की मदद से छानेंगे, और फिर बची हुई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए जब तक कि इसको उबाल आता है मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या ऐड करने वाले हैं। ये मैंने लिया है 1 छोटा सा चम्मच सिट्रिक एसिड, और 1 छोटा आधा चम्मच मैंने लिया है नमक, ये ग्रीन कलर मैंने लिया है, और ये जो है ना इलायची जो मैंने आपको बताए थे बीज जो मैंने अलग किए थे वो मैंने बारीक पीस लिए हैं 3 चम्मच शक्कर डालकर। बहुत ही पाउडर्ड हमने इलायची पीस ली है, इससे बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है शरबत का।
चलिए इसको उबाल आने देते हैं, इसको छान लेंगे और फिर हम इसी बर्तन में वापस से शीरा डालकर हम उसमें ये सब चीजें ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे से एक बॉईल, एक दो बॉईल लाने हैं ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर छूट जाए। आप अगर कलर इस्तेमाल ना करना चाहें तो भी चलेगा। आप अगर रात भर इन इलायची के छिलकों को भिगो कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा डेलिकेट सा लाइट ग्रीन कलर आता है। और आपको इस शरबत को अगर सिर्फ शरबत के तौर पर यूज करना है तो आप इसमें कलर ना भी डालें तो भी चल जाएगा। इसका शरबत किस तरह से बनाते हैं उसके लिए मैं एक डिफरेंट ब्लॉग बनाकर आपको बताऊंगी। इस शरबत से न सिर्फ हम शरबत बल्कि फालूदा और बहुत सारे ड्रिंक्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फालूदा है रेडीमेड तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब के शरबत की जगह हम दूध में इसका शरबत बना सकते हैं, पानी में इसका शरबत बना सकते हैं। और सब में अच्छी बात जो है इसकी वो ये है कि इसमें इलायची है जो कि हमारी प्यास की सख्ती को, जो सोखती होती है गर्मियों के दिनों में रोजा रखने के बाद, उसको कम करती है और प्यास हमको कम लगती है। तो ये शरबत जो है ये ऐसा ड्रिंक है कि आप इसको शहर में भी पी सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी प्यास को कम करता है, प्यास की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत को कम करता है इलायची होने की वजह से। तो आप अगर इसको शहर में भी इस्तेमाल करें पानी के साथ या दूध के साथ तो भी आपको दिन भर प्यास की सख्ती नहीं होगी। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अगर हम इसको थोड़ी देर इसी तरह पकने देंगे ताकि इसमें इलायची का जो खुशबू है और जो फ्लेवर है वो रस बस जाए, उसके बाद हम इसको छान लेंगे और दोबारा से पकने के लिए रखेंगे, तब हम इसमें अपनी बाकी चीजें शामिल करेंगे। अब आप सोचेंगे इतनी जो इलायची के हमने इसमें छिलके डाले हैं ये वेस्ट हो जाएंगे, तो ये वेस्ट नहीं होंगे। मैं कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देती। ये जो इलायची है इसको मैं एक डिब्बे में इन छिलकों को डालकर रखती हूँ, और चूंकि ये शक्कर लगे हुए हैं, शक्कर कोटेड है इसलिए खराब नहीं होंगे। इसको हम अपनी चाय में, डेली की चाय में हम एक एक चम्मच एक टीस्पून भर के ये इलायची डालकर इसका फ्लेवर चाय में हम ले सकते हैं। और चूंकि ये शुगर कोटेड है इसलिए ये खराब भी नहीं होगी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। देखिए एक बॉईल आ गया था, मैंने इसके आज को कम कर दिया था। थोड़ा थोड़ा देखिए ग्रीन कलर आ रहा है शरबत में। अगर आप रात भर छील के भिगा कर रखेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखिए दूसरी बार उबाल आ गया है तो हम इसको छान लेते हैं। दूर रख भाप से, इधर से इधर से। देखिए इस तरह से हमने पूरे इलायची के छिलके निकाल लिए हैं और शरबत को स्ट्रेन कर लिया है। अब इस शरबत को पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए ये जो नमक आधा चम्मच और आधा चम्मच सिट्रिक एसिड हमने रखा था ये हम इसमें डाल देते हैं। इसको एक बॉईल आने देंगे। इसमें हमने जो इलायची और शक्कर पीस कर रखी थी ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं शरबत। इसको अच्छे से हमें उबलने देना है, 4 से 5 मिनट तक हम इसको उबलने देंगे। उसके बाद मैं इसमें कलर ऐड करते वक्त आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमने इसमें नमक और सिट्रिक एसिड डाल दिया है। इसके बाद इसमें एक अच्छा सा उबाल आया है। ये देखिए अभी हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए इलायची को जैसे कितना अच्छा लाइट ग्रीन कलर आ रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट हमको पकाना है। ये आपको अभी पतला लगेगा लेकिन ये शक्कर चूंकि ठंडी होने लगेगी वैसे ही जमना शुरू हो जाएगी। मैं इसमें कलर डाल देती हूँ, ग्रीन कलर इसमें बहुत अच्छा लगता है इलायची के शरबत में। फिर भी आपकी चॉइस है, आप लाइट लेमन या कोई और कलर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का लुक बहुत अच्छा था इसका।
और ये फालूदे में भी बहुत अच्छा लगता है जब ग्रीन कलर का शरबत हम डालते हैं। ये देखिए रंग हमने डाल दिया, इसको 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि बाद में ये गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद, और ठंडा होने के बाद हम इसको बोतलों में भर कर स्टोर करेंगे। इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में ही स्टोर करें, आप इसको बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमने सिट्रिक एसिड डाला हुआ है और नमक भी डाला हुआ है। आपको लगे कि आपका शरबत बहुत गाढ़ा हो रहा है तो इस मौके पर पानी ऐड करके आप उसको 1 उबाल ला सकते हैं। 1 किलो शक्कर और 60 ग्राम इलायची से कम 1 लीटर के आस 1.25 लीटर के आसपास शरबत तैयार होता है। आप इसमें पानी ज्यादा ना डालें बाद में। ये देखिए हमारा इलायची का शरबत तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से मेरी रेसिपीज को ट्राई करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मुझे अगर आपको कोई रेसिपी जाननी है नई तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको इस तरह के नए नए रेसिपीज दिखाऊंगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, और नई रेसिपीज जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह रमज़ान में आप सबको रोज़ एक नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। आप सबको रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की पहली सहरी सब हिंदुस्तानियों को और फॉरेन वालों को दूसरे दिन की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये देखिए शरबत को ठंडा होने के बाद मैंने छान लिया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर आया है, और ये जो आपको नजर आ रहे छोटे छोटे दाने, ये इसलिए है क्योंकि बहुत ही छोटी और सूखी हुई इलायची थी, तो उसका जो पाउडर है ना वो महीन नहीं बना है, जो अच्छा वाला ब्लैक हिस्सा था वो नीचे जमा हुआ है, अच्छे से पीसा गया है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना वो अच्छे से पीसा नहीं गया है, वो शक्कर में अपने को मालूम नहीं हुआ और बाद में वो ऊपर जमा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है जब मुंह में आता है तो, लेकिन अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसको छान कर भी शरबत बना सकते हैं। और ये 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही देखिए हुआ है, ये हम अभी ट्राई कर देंगे। ये इलायची के छिलके हैं, आप इसको स्टोर कर लें फ्रिज में या बाहर कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसको शक्कर कोटिंग है तो ये ख़राब नहीं होंगे। इसको हम रोज़ाना अपनी डेली चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, और रमज़ानों में ख़ासतौर पर यूज़ करें तो प्यास कम लगेगी। और ये देखिए पानी में मैंने ये शरबत बनाया है, देखिए कितना प्यारा इसका कलर है, और बहुत ही एकदम तबीयत में शगुफ्तगी महसूस होती है जब हम इसको पीते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इलायची का शरबत। रमज़ानों में इसको बनाने का ज़रूर एहतमाम करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई और नई आपको रेसिपी जाननी है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें। थैंक यू।